नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। तो IBPS के द्वारा RRBs की नोटिफिकेशन को अनाउंस किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की टोटल 149 वैकेंसीज हैं, जिनमें 99 वैकेंसीज रहेंगी हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट की और 50 वैकेंसीज हैं स्केल वन की। तो इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि हिमाचल में और क्या स्कोप बन सकता है बैंकिंग एग्जाम्स को लेके। तो RRB जो है वो हिमाचल के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि आज से 2 महीने पहले एक और नोटिफिकेशन आई थी जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स की थी, तो अगर आपने उस एग्जाम की तैयारी कर रखी है तो वो किस तरीके से आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके लिए हेल्प करेगी, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की। तो RRB की ये नोटिफिकेशन है, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं हमारे पास, इसकी नोटिफिकेशन हर साल आती है, और IBPS के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसके द्वारा इसकी वैकेंसीज को निकाला जाता है। ये जो वैकेंसीज होती हैं, जिस स्टेट वाइज रहती हैं, यानी कि इसमें पंजाब के लिए अलग वैकेंसीज होंगी, हिमाचल के लिए अलग वैकेंसी है, J&K के लिए अलग वैकेंसी है, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, UP, सब हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी होने वाली है। इसके अलावा मेंशन किया जाता है, स्पेशली मेंशन किया जाता है कि आपका सिलेक्शन किस बैंक में होने वाला है। ठीक है जी, जैसे पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में पंजाब ग्रामीण बैंक है, उसी तरीके से हिमाचल में है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मंडी में है। तो उसी तरीके से जो RRB की जो वैकेंसी है, इसमें मैं सिर्फ हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिमाचल में जो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, उसमें जो क्लरिकल लेवल पे 99 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है, और PO लेवल पे यानी कि स्केल वन लेवल पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 50 है। ठीक है, तो पूरा डिकोड करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या डेट्स हैं। तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो 7 जून से, इसकी नोटिफिकेशन जो है वो शुरू हो चुकी है फिल होना। तो IBPS की ऑफिशियल साइट पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को भर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म को फिल करने का होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद मेंशन किया गया है प्रॉपर कि कब आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, कब आपका मेंस का पेपर होगा, स्केल वन की इंटरव्यूज कब होगी, आपका फाइनल फाइनल सिलेक्शन मेरिट कब लगेगी, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, सब कुछ यहाँ पे सामने लिखा होता है। और इसी नहीं पर्टिकुलर डेट्स पे ही आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेंशन किया गया है कि डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो जुलाई एंड यानी जुलाई एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में, जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे। आपका प्री का पेपर अगस्त के मंथ हो जाएगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में ये पेपर होता है। ठीक है, उसका रिजल्ट भी अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो मेंस पेपर होगा वो एक्सपेक्टेड है कि लास्ट में सितंबर के एंड में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। उसका जो सॉरी जो कॉल लेटर है वो सितंबर में आएंगे, और जो इसका एग्जाम होगा वो अक्टूबर में होगा, सितंबर एंड या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में होगा। फिर नेक्स्ट बोला गया है जो रिजल्ट होगा मेंस का वो आएगा हमारे पास अक्टूबर 2024 में ही। ठीक है, और उसके बाद जो इंटरव्यूज होंगे, जो ऑफिस असिस्टेंट है उसमें इंटरव्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्केल 1 2 3 होता है उसमें इंटरव्यूज रहते हैं, तो वो नवंबर में आपके इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के एंड में इसके इंटरव्यूज होते हैं, मतलब कि फर्स्ट हाफ के बाद, नवंबर के फर्स्ट हाफ के बाद आपके जो इंटरव्यूज है वो होने लग जाते हैं। और लास्ट अगर हम देखें तो जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होती है, आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा बैंक मिला, हिमाचल में तो चलो एक ही बैंक है, तो आपको बताया जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है जनवरी में, मोस्ट एक्सपेक्टेड 31 जनवरी को इसकी लिस्ट आती है, बाकी 1 2 दिन पहले भी आ जाएगी, 31 जनवरी को इनका फिक्स डेट रहता है हमारे पास। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये आप ध्यान रख लीजिए कि इसी डेट पे ही सारा काम होगा, पेपर कभी भी इसका आज तक तो शिफ्ट नहीं हुआ है, जो डेट मेंशन की गई है उसी डेट में ही इसका एग्जाम जो है वो होता है। ठीक है, अब सेकेंडली अगर हम देखें तो वैकेंसीज का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में ये वैकेंसीज हैं, ऑफिस असिस्टेंट की 99 वैकेंसीज है, स्केल वन की 50 वैकेंसी है, तो टोटल अगर हम देखें तो 149 वैकेंसी रहेगी हमारी। बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसी होती है, इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 2 साल आपको 10,000 सैलरी मिलेगी, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है पूरी कंप्लीट सैलरी मिलना आपको शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है, सेंट्रल लेवल पे ही ये एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो हिमाचल प्रदेश में ही रहने वाली है, स्पेशली हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में ही आप रहोगे, चाहे आप स्केल वन में जाते हो चाहे आप
ऑफिस असिस्टेंट के रूप में इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसकी बाकी के हिमाचल के एग्जाम्स के कंपैरिजन में कम रहती है। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 18 to 28, और अगर हम स्केल वन की बात करें तो 18 to 30। मैं सिर्फ दो एग्जाम्स की बात करूंगा, ये स्केल वन है जो कि ग्रुप ए रहता है, ठीक है, क्योंकि जो स्केल टू और स्केल थ्री है उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं इन दो एग्जाम्स की बात करूंगा जो फ्रेशर्स, जो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो नौकरी की तलाश में है, मैं उनकी बात करूंगा सिर्फ, तो ग्रुप बी और ग्रुप ए, ठीक है। तो इसके लिए 18 to 28, इसके लिए 18 to 30। बाकी जो नेशनल लेवल पे हमारे पास रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा। नेशनल लेवल के ऊपर जो भी हमारी कंडीशंस रहती हैं एज लिमिट की, जैसे ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्स मिलता है, ठीक है, और जो एससी कैटेगरी होती है उसको 5 साल का, वो रहेगा ही रहेगा, एससी और एसटी भी। ईडब्ल्यूएस को कोई एज में रिलैक्स नहीं मिलता है, लेकिन ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 ईयर्स का मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें क्लरिकल लेवल पे, तो 18 to 33 हो जाएगी हमारे पास एससी एसटी के लिए, 18 to 31 हो जाएगी ओबीसी के लिए, और ऐसे ही ग्रुप ए की अगर हम ऑफिसर स्केल वन की बात करें तो 18 to 33 हो जाएगी ओबीसी के लिए, और 18 to 35 हो जाएगी हमारे पास एससी एसटी के लिए, ठीक है। बाकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट की बात करो चाहे आप स्केल वन की बात करो। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, बहुत कुछ लिखा हुआ है। बाकी यकीन मानिए अगर आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी, ठीक है। ये देखो इसमें मेंशन किया गया है कि नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बस इनको प्रेफरेंस दी जाएगी और इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि हमने नॉर्मल बीए करी है या बीएससी करी है तो हमारी जॉब नहीं लगेगी। ऐसे कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 90 to 95% ऐसे होते हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले होते हैं। वैसे तो अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो बीटेक वाले काफी होते हैं, तो इसमें बीटेक कहीं नहीं लिखा हुआ, तो बीटेक वाले काफी एग्जाम निकालते हैं। तो मेन क्या है कि आपके मेंस में अच्छा स्कोर होना चाहिए, जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा मेरिट में ऑटोमेटिकली आ जाओगे आप, ठीक है ना। तो ऑफिस असिस्टेंट में तो कोई इशू ही नहीं है, आपकी बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें एक चीज लिखी हुई है कि डिजायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ऑफिस असिस्टेंट में और पीओ दोनों में ही थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए, जितना का हमें आता है आज के टाइम पे, हर एक स्टूडेंट को आता है उतना के यहाँ पे मांगा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो मैंने आपको पहले कहा था कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में जिन बच्चों ने तैयारी करी है उनको यहाँ पे थोड़ा सा एज मिलेगा। अब कि जो 2 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, सिलेबस बिल्कुल सेम, जो आपका पेपर दिया है आपने हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का, सेम लेवल, सेम डिट्टो सेम लेवल होगा। इसमें खास बात हो रहा है, अगर मान लो आप में से किसी स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है, तो भाई अगर आप इंग्लिश छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्री में भी और मेंस में भी। कैसे अभी बताता हूँ। अगर हम बात करें प्रीलियम एग्जाम्स की, तो प्रीलियम में तो रीजनिंग और मैथ आएगा, बस बिल्कुल बेसिक लेवल का रीजनिंग, बेसिक लेवल का मैथ आएगा, 80 सवाल होंगे 80 नंबर के, और 45 मिनट्स मिलेंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए। 45 मिनट्स में आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 80 मिनट्स का टाइम होगा, सॉरी 45 मिनट्स का आपका टाइम होगा। इसमें सेक्शनल टाइम नहीं है, ठीक है, कॉम्पोजिट टाइम है, सेक्शनल टाइम इसमें नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट का पेपर दे लो चाहे आप स्केल वन का दे लो, दोनों का सेम सेम रहेगा, जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेवल का डिफरेंस होता है, सिलेबस भी सेम होता है। इसमें इजी आएगा, इसमें थोड़ा मॉडरेट आएगा, प्रीलियम्स में, प्रीलियम लेवल पे अगर मैं बात करूँ इसमें इजी रहेगा, इसमें मॉडरेट रहेगा। ऐसे अगर मेंस की बात करें तो मेंस का पैटर्न भी बिल्कुल सेम, सिलेबस और पैटर्न दोनों चीजें सेम रहेंगी, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी और स्केल वन के लिए भी। लेवल का डिफरेंस होता है, जो मेंस एग्जाम होगा वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए रहेगा मॉडरेट लेवल का, और स्केल वन के लिए रहता है डिफिकल्ट लेवल का। वही कट ऑफ के ऊपर फर्क पड़ जाता है, कट ऑफ कम चली जाती है। फिर ये रहती है जैसे रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और हिंदी लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। अब इंग्लिश और हिंदी, अब आप कहोगे कि क्या हमें दोनों पढ़नी है, जी नहीं, आपने डिसाइड करना है कि आपने हिंदी वाला पेपर देना है या इंग्लिश वाला पेपर देना है, ये आप डिसाइड करोगे। और ये डिसाइड आपने फॉर्म को फिल करते टाइम नहीं करना है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो तब आपने डिसाइड करना है कि आपने हिंदी चूज करनी है या फिर इंग्लिश। पहले से चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप अगर हिंदी पर टिक करोगे तो हिंदी शुरू हो जाएगी, इंग्लिश पे करोगे तो इंग्लिश हो जाएगी, लेकिन दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक आपने करना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो स्किप कर दो, हिंदी कर लो उसकी जगह पे,
और मेंस में, नंबर सेम ही रहेंगे हमारे पास, ठीक है। और ये 200 सवालों का पेपर होता है, 200 नंबर और 2 घंटे मिलेंगे, कहीं भी स्विच कर सकते हो, ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है जी। सीबीटी होगा, कहीं भी कभी भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेक्शनल टाइम इसमें नहीं होता है, समझ गए बात को जी। तो जितने भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, चाहे वो पटवारी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, क्योंकि भाई जनवरी में पता चल जाएगा जॉब लगेगी कि नहीं, और अगले आने वाले 2-3 महीने अच्छे से मेहनत कर लो। ऐसे एग्जाम्स को पास करना इजी रहता है, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ हिमाचल में रहेगा, और ये कभी नहीं सोचना है कि भाई बाकियों का ज्यादा होगा, है ना, बाकियों की ज्यादा तैयारी है। भाई अभी फॉर्म निकला है, अभी से तैयारी करना शुरू करो। अगर आप 1 महीना अच्छी मेहनत कर लेते हो, 1.5 महीना अच्छी मेहनत कर लेते हो, तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है, इजिली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, समझ गए बात को जी। बाकी फीस की बात कर लेते हैं, फीस इसकी 850 रुपये रहती है, चाहे आप स्केल वन का भरो, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट का भरो, दोनों अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, 1700 रुपये फीस हो जाएगी आपके लिए। लेकिन अगर आप SC ST या फिर SC ST PWD वगैरह से अगर आप बिलोंग करते हो, तो 175 रुपये फीस है। बाकी OBC जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 850 रुपये फीस रहेगी, और ये अलग अलग फॉर्म भरने हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर लो और कह दो हो गया हमारा, ना, दोनों फॉर्म भरेंगे, ठीक है, आप सबने दोनों फॉर्म भरने। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना गवर्नमेंट एग्जाम की, तो फिर ये मत देखो कि कौन सा एग्जाम है, बस फॉर्म भर दो, ठीक है, फॉर्म भरो, अपनी तरफ से 100% तैयारी करो, होना ना होना बात की बात है, लेकिन आपने अपनी जो आप कर सकते हो ना, वो आपने जरूर करना है। तो पहला स्टेप क्या है, फॉर्म को फिल करना। तो सभी बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे, जितने आप इस वीडियो को देख रहे हो, फॉर्म को फिल करो। जो लिंक होगा IBPS का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे तरीके से एक बार फॉर्म फिल कर लो, फिर हम तैयारी करना भी शुरू करेंगे, बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होगी। प्रीलिम्स को तो हम क्रैक कर ही लेंगे, मेंस के ऊपर भी पूरा फोकस करेंगे। अगर आपका मान लो स्केल वन में, सॉरी ऑफिस असिस्टेंट में मेंस क्लियर हो गया, तो इंटरव्यू नहीं है, फिर सीधा सिलेक्शन है। अगर मेंस क्लियर है तो सिलेक्शन हो जाएगा सीधा आपका, ठीक है। और अगर हम बात करें स्केल वन की, तो उसमें अगर आपका मेंस क्लियर होता है, तो उसके बाद इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। और यकीन मानिएगा, अगर कोई बाहर की स्टेट वाला भी आपके हिमाचल में अगर फॉर्म फिल करता है, तो इंटरव्यू में उसकी थोड़ी सी करेंगे वो खिंचाई, ठीक है। हर कोई यही चाहता है, जैसे कोई भी बैंक हो चाहे RRBs में, अप्रोच यही रहती है कि अगर कोई हिमाचल का बच्चा है, तो उसको हिमाचल में नौकरी मिले, पंजाब वाले को पंजाब में मिले। क्रॉस स्टेट वाला काम बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, या फिर कह लो कि ओवर जो मेरिट वाला पर्सन होता है ना, वही क्रॉस स्टेट में जाके सिलेक्ट हो पाता है, नहीं तो निकाल देते हैं उसको इंटरव्यूज में। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, कंपटीशन आपका सिर्फ हिमाचली के साथ ही है। जैसे अगर नॉर्मल हिमाचल का पेपर दोगे, तब भी सेम कंपटीशन रहेगा, और आज भी सेम है, अभी भी सेम है। तैयारी को आपने अपनी बेस्ट रखना है, उसके लिए हम आपके लिए कोई कोर्स वगैरह भी लेके आएंगे, लेकिन अभी पहला जो काम आपका है वो क्या है, फॉर्म को फिल करना। फटाफट फॉर्म को फिल करिएगा, और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपने फॉर्म फिल किया है कि नहीं, और अगर नहीं किया है तो रीजन दो कि क्यों फॉर्म फिल नहीं किया। अब इसमें कोई आपका एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि पता नहीं ये एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये एग्जाम होके रहेगा, उसी डेट पे होगा जो डेट मेंशन की गई है, ठीक है। अगस्त एंड में इसका एग्जाम होगा तो होगा ही होगा, ठीक है। अक्टूबर में इसका मेंस होगा तो होगा ही होगा, है ना। नवंबर में इंटरव्यूज होंगे, जनवरी में आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीजें रहती ही रहती हैं, ठीक है जी। तो आई होप ये नोटिफिकेशन का आपको पता चल गया होगा। सबने फॉर्म फिल करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है फॉर्म फिल किया है कि किया है या नहीं, और अगर नहीं किया है तो एक रीजन जरूर लिखना कि क्यों नहीं किया, क्या रीजन है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।